78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर राजधानी पटना के गांधी मैदान में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसका जायजा लेने पटना प्रमंडलीय आयुक्त के साथ साथ पटना जिलाधिकारी खुद गांधी मैदान पहुंचे। बारीकी से गांधी मैदान में की गई सभी तैयारियों का जिलाधिकारी के साथ साथ मौके पर मौजूद पटना प्रमंडलीय आयुक्त ने जायजा लिया है। ये ठीक कर दीजिए जाता ना नीचे ज्यादा जाता स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और यहां गांधी मैदान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा झंडोत्तोलन का कार्य किया जाएगा, साथ में परेड का निरीक्षण भी किया जाएगा। इस अवसर पर कई विभागों की झांकियां भी निकाली जा रही हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर परेड में भी सैनिक, स्काउट्स, गाइड सभी लोग शामिल हो रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर दर्शकों के लिए भी विस्तृत व्यवस्था की गई है, वाटरप्रूफ पंडाल भी लगाए गए हैं ताकि जो दर्शक आएँ इस समारोह का आनंद ले सकें। कितने बजे से आम लोगों की एंट्री? ये प्रातः से ही शुरू हो जाएगा और सुरक्षा जांच के बाद आम लोगों को विभिन्न द्वारों से प्रवेश करने दिया जाएगा और जो आमंत्रित अतिथिगण हैं, जो अतिथि दीर्घा में अलग से बैठेंगे, उनके लिए भी अलग अलग द्वारों पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है और वाहन पास और जो भी आमंत्रण पत्र है उसके आधार पर प्रवेश करने का उसमें मौका दिया जाएगा। यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट की तैयारियाँ की गई हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे सुरक्षा प्राप्त महानुभाव यहाँ आते हैं और ख़ास करके नेहरू पथ पर जो रिस्ट्रिक्शंस रहेगा, जब भी वहाँ पर सुबह में ही 7 बजे से ही उसमें विशेष रूप से ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है और जो भी गाड़ियां आएंगी जाएंगी उनको वाहन पास के आधार पर आने जाने का मौका दिया जाएगा। साफ तौर से पटना प्रमंडलीय आयुक्त ने बताया है कि देश बड़े धूमधाम से अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहा है और उसी कड़ी में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने वाले इस कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नीरज त्रिपाठी, न्यूज 24, पटना।